का वेलकम है हमारी आज की मीटिंग में। मैं हूँ स्वाति अरोड़ा फ्रॉम लुधियाना और आज की मैं आपकी होस्ट रहूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीटिंग। सबसे पहले जब भी हम इस बिजनेस में आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं और इसका मोटिव क्या है और इसका प्लान क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें क्लैरिटी ऑफ प्लान होना चाहिए, वैल्यूज इसकी पता होनी चाहिए। और मैं बुलाना चाहूंगी विद द डिजिटल क्लैप मिस्टर अशोक एंड रेखा मौर्या फ्रॉम बनारस, जो हमें आज गाइड करेंगे इस बिजनेस के बारे में और हमें इस एमवे का बिजनेस प्लान एक्सप्लेन करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज विद द ओपन माइंड लिसन इट केयरफुली। थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू स्वाति जी, बहुत बढ़िया। वेलकम, माई सेल्फ अशोक मौर्य फ्रॉम वाराणसी और माई वाइफ। हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। और मैं रेखा वाराणसी से, और जैसा कि आज जो भी बिजनेस प्लान मेरे हस्बैंड यहाँ पर शेयर करेंगे, और उसे हम चाहेंगे कि आप सब एक घंटे दिल दिमाग से यहीं पे रहिए, क्योंकि एक लेडीज के लिए इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फैमिली उसके लिए बेस्ट है ना। चाहे वो बैचलर है तब भी अपने फैमिली को देखते हैं, और शादीशुदा है तो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट उनकी फैमिली होती है। तो मुझे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में सबसे अच्छी चीज लगी थी कि ये फैमिली के साथ करना है और हस्बैंड के साथ खास करके, तो वो गलत हो ही नहीं सकता। तो इस फ्रेंड्स, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से मेरी लाइफ में तो बहुत चेंज आया, और मेरे बच्चों में, क्योंकि एक माँ के लिए उसके बच्चे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, फैमिली भी। जो संस्कार हम इस सिस्टम की वजह से बच्चों में दे पाए, जो वैल्यू दे पाए, वो इस बिजनेस प्लान में आपको ये शेयर करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप सब इनको सुनिए और बात भी हो पाए। थैंक यू रेखा जी, बहुत बढ़िया, सुपर। दोस्तों, माई सेल्फ अशोक मौर्य फ्रॉम वाराणसी। मैंने बहुत सारे जॉब्स किए, पार्ट टाइम, फुल टाइम। शुरुआती दौर में मैं फुल टाइम जॉब करता था, पार्ट टाइम में मैं टीचिंग प्रोफेशन में था, और काफ़ी लंबे समय तक इसके बाद मैंने बिजनेसेस भी किए। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी चलती रही, और समय का बड़ा अभाव था। मैं इसी बनारस से, गांव से बिलोंग करता हूँ, और एक किसान फैमिली से हूँ। तो जॉब करते 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 जैसे ही मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी, कहीं इस बनारस में या पूरी दुनिया में कहीं खो गया था, वजूद नहीं था। लगता था कि यार यही ज़िंदगी है, कहीं ना कहीं लाइफ में बस रुक गया था, चल रहा था ज़िंदगी। लेकिन थैंक्स गॉड, आज हम आपके सामने जो बात कर पा रहे हैं, उसके पीछे गॉड्स प्लान है। मुझे नहीं लगता था कि मेरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। काफी समय निकल गया, 20-22 साल मैंने जॉब किया और बच्चे बड़े हुए, और कहीं ना कहीं कोई ड्रीम का तो मतलब ही नहीं समझ में आता था। और यहाँ पे आने पे बहुत सारी चीजें हम लोगों की लाइफ में मिली, और हम लोगों ने इसको देखा और जिंदगी एकदम यू टर्न हो गई। दोस्तों, पूरी लाइफ चेंज हो गई, हमारे बच्चे, हमारा परिवार सब इस बिजनेस के थ्रू सब इंजॉय कर रहे हैं और एक विजन लेके चल रहे हैं। तो बहुत आनंद आ रहा है दोस्तों। मैं कुछ पीपीटी के माध्यम से मैं आपसे शेयर करूंगा, और दोस्तों जो आप देख पा रहे हैं, ये जिंदगी हम लोगों की नहीं थी। आज जो हम एक दूसरे के लिए हैं यहाँ पे, हम लोग बहुत टफ लाइफ थे, कभी एक साथ बैठना नहीं हो पाता था, यही जिंदगी चलती रहती थी। तो वेलकम आप सबका इस बहादुर टीम मीटिंग में, और इस बिजनेस की वजह से हम लोगों की लाइफ में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया, और हम लोग एक अपनी जो जिंदगी है उसको जी पा रहे हैं। मैं आपको बताऊं इस बिजनेस में कैसे मैं आ गया। तो कोई ना कोई एक स्रोत होता है, कोई ना कोई एक जो आपको जगाता है
तो मैं जो दुनिया में खोया हुआ था, तो हमारी मुलाकात ऐसे ही, कहते हैं ना कि गॉड की जब मेहरबानी होती है, गॉड किसी को कुछ देना चाहता है तो खुद नहीं आता, किसी न किसी को भेजता है हम लोगों की लाइफ में। तो ऐसे में हमारी मुलाकात अमिताभ जी से हुई, लेकिन अमिताभ जी से पहले एक हमारे मित्र थे उनसे हुई, और अमिताभ जी हमारी जिंदगी में आए, इन्होंने हमें नर्चर किया, और धीरे 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 ये बिजनेस हम लोगों की लाइफ में दे दिया, और मजबूत हम लोगों को विजन देने वाले जो मनोज जी हैं, जिनके संगत में मैं रहा और जिंदगी को जान पाया, क्योंकि जिंदगी को मैं लगभग खो चुका था, और उन्होंने एहसास कराया कि जीवन भी कुछ है, जीवन की इम्पोर्टेंस को उन्होंने बताया, और धीरे 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 हमारा मन यहाँ लगने लगा, और मुझे अच्छा लगने लगा, इन्वायरमेंट अच्छा लगने लगा, लोग अच्छे लगने लगे, यहाँ की जो टीम है वो अच्छी लगने लगी। कहते हैं ना, जब कोई चीज दिल से अच्छी लगती है तो वो व्यक्ति उस चीजों को पसंद करता है, उसके इन्वॉल्व हो जाता है, तो हम लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। इसके अंदर जो एसोसिएशन था, मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार, उसके अंदर हम लोग बैठने लगे, और धीरे 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 ये बिजनेस हमारे दिमाग से दिल में उतर गया, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस बिजनेस की यात्रा में हम लोग रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जीवन है, और हम लोगों ने यहाँ पे काम करना शुरू किया दोस्तों, और धीरे 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 हम लोग ग्रो कर रहे हैं, और हमारे बच्चे भी ग्रो कर रहे हैं। तो थैंक्स, एक बार हम जोरदार क्लैप चाहेंगे अमिताभ जी और मनोज जी के लिए, जिनकी वजह से हम इस बिजनेस में आए और हमारी शुरुआत हुई, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता दोस्तों। अगर कोई गुरु साथ में है तभी आपको एक एक स्टेप वो आपको आपका मार्गदर्शन करता है, और आप एक एक स्टेप आगे चले जाते हैं। तो जोरदार तालियों से एक बार हम फिर से वेलकम करेंगे, और अमिताभ जी और मनोज जी के लिए। फ्रेंड्स, कुछ हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई कारण होता है, जिसके कारण जैसे कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई प्रोफेशन करता है, उसको पता है कि मुझे ये क्यों काम करना है। उसी तरह से हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, जब हम जिंदगी में आते हैं तो कुछ ना कुछ, जब जॉब में आते हैं सपने होते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मतलब मनी फ्रीडम होना चाहिए, हमारे पास पैसा खूब होना चाहिए, ढेर सारा समय होना चाहिए, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, जिसके लिए हम लोग वर्क करते हैं, और सोच बनती रहती है कि हमें ये चाहिए। और आज आप देख रहे हैं कि अगर मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम है आपके पास, तभी आप अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, एक बेहतर लाइफ दे सकते हैं, एक अपना ड्रीम होम बना सकते हैं, जहां पे चैन की नींद आप सो सकते हैं। ऐसा ड्रीम होता है, हमारा भी ड्रीम था, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है दोस्तों। हमारे घर में ड्रीम कार हो, कार तो बहुत से लोगों के पास है, ड्रीम कार हो जिसमें हम पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करें, वेकेशन पे जाएं और लाइफ को एंजॉय करें, शॉपिंग करें जिसके लिए कोई टैग ना देखना पड़े, ऐसी लाइफ हो हमारी, ये चाहते हैं, हम सब चाहते हैं। वर्ल्ड ट्रेवल करें, पूरी दुनिया घूमे हम परिवार के साथ, चैरिटी करें, हर व्यक्ति का मन करता है लोगों को दान करना, चैरिटी करना, लेकिन जब वो हाथ जेब में हाथ डालता है तो पता चलता है कि कहीं बिल का, बिजली का बिल बाकी है, तो बच्चों की फीस बाकी है दोस्तों, लेकिन चाहता तो है ना कि चैरिटी करें। हर व्यक्ति के अंदर दया की सीड है, और पेरेंटल केयर करें, पेरेंट्स की केयर करें, जो आज पॉसिबल नहीं हो पा रहा है न्यूक्लियर फैमिली में, सब चाहते हैं, लोगों की हेल्प करें, लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं हम सब खो गए हैं, चाहते हैं लेकिन कैसे पूरा होगा ये चीजें दोस्तों। मैं बताऊं, आज अमिताभ जी और मनोज जी ने हमें जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात किया, MWay 3.0, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन किया है, लोगों की दुनिया बदली है, और लोगों को मिलियनेयर बनाया है, ये ऐसी कंपनी, तो जोरदार क्लैप कर सकते हैं हम सब एमवे के लिए। और क्यों ये यूनिक है, क्यों लोग आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं इसको, जैसे मैं एक प्राइवेट जॉब करता था तो मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि तो यहाँ पे कोई एज की लिमिट नहीं है, 18 साल की एज से स्टार्ट होकर के आप 100 साल तक की एज में
इस बिजनेस को कर सकते हैं। कोई एजुकेशन की क्राइटेरिया नहीं है कि आप इतना पढ़े हो तभी, क्योंकि तो मार्केट में और भी जॉब में जाने के लिए एक क्राइटेरिया होती है, लेकिन यहाँ पे आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में कोई एजुकेशनल क्राइटेरिया नहीं है। फ्लेक्सिबल आवर में कर सकते हैं, अपने फुल टाइम काम को करते हुए इस बिजनेस को बहुत है अच्छे से कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड करके बहुत बड़े काम हासिल किए हैं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अपने घर के खर्चे से ही इस बिजनेस को बड़ा किया जा सकता है, ठीक है। कोई टेरिटोरियल बाउंड्री नहीं है, आप एक जगह से बैठ करके पूरे इंडिया में कहीं भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। मेंटरशिप गाइडेड प्रोग्राम है, जहां पे हमें शुरू से ही जिस दिन हम ज्वाइन कर सकते हैं करते हैं उस दिन से आपको एक मेंटर मिलता है जो आपको हर स्टेप पर मार्गदर्शन करता है। जैसे मुझे अमिताभ जी और मनोज जी मिले जिन्होंने हर स्टेप पे गाइड किया और इस बिजनेस को हम करते चले गए। आई होप एनीबडी हु इज ड्रीमर, जो भी लोग ड्रीमर हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, हार्ड वर्किंग है, जिंदगी को प्यार करते हैं, उनके लिए बिजनेस है, फ्यूचर फोकस्ड है, वो सब इस बिजनेस को कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सबके लिए है ये दोस्तों बिजनेस। और मैं आपको कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा मैं बात करूं। रॉबर्ट टी कियोसाकी जो फाइनेंशियल एडवाइजर थे, जिन्होंने कुछ क्वाड्रेंट बताया, दुनिया को चार भागों में बांटा, एम्प्लॉई सेक्टर, सेल्फ एम्प्लॉय सेक्टर, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय सेक्टर, आप देखें फिजिकल एक्टिव रहेंगे तभी इनकम आएगी। जॉब वाले, जॉब ग्राउंड बिजनेस, जो छोटे दुकानदार हैं, लोग क्या करते हैं, सुबह से शाम कर वर्क करते हैं, पैसा आता है, काम करते हैं, पैसा आता है, काम बंद पैसा वहां, मतलब 20 से 30 साल तक काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। और इंडिविजुअल स्किल पे काम करते हैं, उनके पास कोई टाइम नहीं होता, टाइम फ्रीडम नहीं होता है, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे काम करते हैं दोस्तों। ये होते हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय सेक्टर। आप बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, पैसिव इनकम, वर्किंग आवर्स कुड बी लिमिटेड और ऑलमोस्ट जीरो। इनके वर्किंग आवर धीरे धीरे क्या होते हैं, जीरो हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। कम काम करते हैं पैसा ज्यादा आता है, मतलब काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आता है बिजनेस ओनर्स इन्वेस्टर्स के हाथ, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके एक बिजनेस खड़ा करते हैं। सिस्टम मेड इनकम आता है और नेटवर्क बनाते हैं बहुत सारे लोगों का, बाटानी, टॉपटेक, रिलायंस, बड़ी बड़ी कंपनियों को आप उठा के देख लीजिए, ये क्या करते हैं, सिस्टम मेड इनकम करते हैं। तो आज हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं, आपकी लेफ्ट से राइट जाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो आप पा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है इसके अंदर, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप इसको बिल्ड कर सकते हैं। एनीवेयर एनी टाइम आप अपने मोबाइल फोन के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा, पूरी दुनिया में कहीं भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। इस तरह की अपॉर्चुनिटी, इनकम पोटेंशियल आप देख लीजिए, यहाँ पे एक प्लैटिनम लेवल पे 7 से 8 लाख की इनकम, 8 से 10 लाख की इनकम है, एमरल्ड लेवल पे 30 से 35 लाख की इनकम है, और डायमंड लेवल पे 66 लाख से लेके 1 करोड़ तक की इनकम है सालाना। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी पोटेंशियल, यूज पोटेंशियल है इस बिजनेस। 110 कंट्री में बिजनेस है, 60 साल से चल रहा है, 450 से ज्यादा प्रोडक्ट है, और बहुत सारे डाटाज हैं, आप जिनके साथ आए हैं उनसे और भी ज्यादा समझ लीजिएगा। और इंडिया में 1998 में आया 5 मई को, और यहाँ पे अपना प्लांट है मदुरई में, जिस यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और 2000 से ज्यादा टर्नओवर है, टर्नओवर है। आज आप देखिए ट्रेडिशनल मार्केट में क्या हो रहा है, ये बिजनेस में क्या है, ये मैन्युफैक्चरर सामान बनाता है, मिडिल मैन के थ्रू कस्टमर तक जाता है, 50 से 60% पैसा ये मिडिल मैन लेके जाते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग मॉडल आज आप देख रहे हैं, ऑनलाइन जो मॉडल है आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, ये थ्रू डायरेक्ट सेलर के द्वारा ये प्रोडक्ट्स बिकते हैं और कस्टमर तक जाते हैं। यहाँ पे बीच का जो पैसा है वो डायरेक्ट सेलर को कमाने का एक रास्ता है। और आज बहुत तेजी से आप देख रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में हावी हो रहा है। और आप, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग में क्या डिफरेंस है। दोस्तों यहाँ देखें, 9 बायोडिग्रेडेबल केमिकल प्रोडक्ट है, नो मनी बैक गारंटी है, मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई सेटिस्फेक्शन की गारंटी नहीं है, ठीक है। सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स
थ्रू लीगल लाई एडवर्टाइजमेंट झूठ मूठ का प्रचार प्रसार करके ये प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं। और हमारे प्रोडक्ट की बात 30 दिन की मनी बैक गारंटी की प्रोडक्ट है, सेटिस्फेक्शन गारंटी है, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है और WHO द्वारा प्रमाणित है। और ये जो प्रोडक्ट बिकते हैं वो जो यूज करते हैं वही इसको रेकमेंड करते हैं, जिससे उनकी खूबियों को जानते हैं, अच्छा है तभी रिकमेंड करते हैं दोस्तों। तो ये फर्क है ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। ये चीजें मुझे समझ में आई और हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया और बहुत सारे रेंज है, एटीट्यूड, एक्सेस ड्रिंक, आर्टिस्टी, एमवे होम, न्यूट्रलाइट, कुकवेयर, बहुत सारी रेंज है हमारे पास, आप देख रहे होंगे बहुत सारी रेंज प्रोडक्ट की। और एक सिस्टम है जिसके द्वारा हम इसको सीखते हैं, विजनर 100 कथा, स्पॉटिफाई के थ्रू बहुत सारी टॉक्स है और हमारे जो मेंटोर है, कंट्री मेंटर है सुमित बहादुर, जिन्होंने सिस्टम बनाया है जहां पे हम आ करके इसकी जानकारी लेते हैं और इस बिजनेस को बड़ा करते हैं, बड़ा विजन मिलता है और बहुत बड़ी पिक्चर यहाँ पे हम देखते हैं इसके थ्रू। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे हम आकर के हम सब सीखते हैं। तो जोरदार तालियां एक बार हम लोग दे सकते हैं सुमित जी के लिए। आप देख रहे हैं हमारे अप्लाइन मेंटोर हैं जो जिनसे हमें हेल्प मिलती है, जैसा अभी ने बात किया था, जैसे स्टार्ट करने के लिए आपका सिंपल आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, अकाउंट नंबर, ईमेल आईडी चाहिए जिससे आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप बाकी चीजें अपने जिनके साथ आप आए हैं अप्लाई से जानकारी ले लीजिएगा दोस्तों। ये कुछ टर्नओवर का स्लैब्स है, 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 21%। तो ये कुछ स्लैब्स हैं जिनकी जानकारी आप अपने जो अप्लाइन है उनसे लीजिए और बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। मैं डाटा दिखा रहा हूँ, मैं चीज दिखा रहा हूँ आपको कि अगर आप इस बिजनेस में 10,000 रुपए का बिजनेस, जैसे अब सिंपल क्या है इसमें कि हम ये बिजनेस है, बिजनेस में हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हम यूज करते हैं और एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर एक फैमिली, जैसे हम एक फैमिली हैं और हमारे घर में कुछ प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, हेल्थ केयर, स्किन केयर, होम केयर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, 150 से ज्यादा प्रोडक्ट है हम यूज करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स अभी आपने देखा मनी बैक गारंटी है, इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है, बायोडिग्रेडेबल है, हम यूज करते हैं, उसकी नॉलेज लेते हैं और कुछ कस्टमर्स को प्रोडक्ट देकर के हम 10,000 का, 10-12,000 का टर्नओवर करते हैं, तो हमारी इनकम 6-7,000 रुपए महीने की होती है और लगभग सालाना देखा जाए तो 22,500 की इनकम होती है। अपने घर के खर्चे से हम कुछ पैसे अर्न कर रहे हैं और अगली पोटेंशियल में देखिए कि अगर यही काम करना हम कुछ फैमिलीज को सिखाते हैं, जो हमने किया, क्या किया, 10,000-12,000 का बिजनेस किया और यही 10 फैमिली को सिखाते हैं, तो हमारी इनकम हो जाती है 6-7,000-8,000 रुपये महीने की, अगर सब जोड़ दिया जाए तो, और लगभग लगभग 80-90,000 रुपए महीने सालाना की इनकम यहाँ पे हमारे। और यही टर्नओवर करना हम अगर 10 फैमिली को और सिखा देते हैं, उनको जो हमने किया 10 फैमिली को, इनके साथ भी 10 फैमिली और आती है, साल, दो साल, तीन साल, जो भी समय लगता है, तो आप देख रहे हैं 100 फैमिली जो आती है और 100 फैमिली करीब करीब 10-11 लाख का टर्नओवर करता है और लगभग लगभग 1.5 लाख प्लस की मंथली इनकम होती है और लगभग लगभग 19-20 लाख रुपए सालाना इनकम करते हैं। आप पोटेंशियल देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कितनी पोटेंशियल है, एक छोटी शुरुआत करके, अपने घर के खर्चे से शुरुआत करके और बहुत सारे पोटेंशियल कस्टमर को प्रोडक्ट यूज करा करके, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी तरफ कुछ खोज रहे हैं, उनको तलाश करके ये बिजनेस सिखाते हैं, तो उनकी भी जिंदगी बदलती है और हमारी भी जिंदगी बदल जाती है। और उसके बाद क्या मिलता है, आपके पास टाइम मिलता है, वर्ल्ड टूर ट्रेवल करते हैं, फ्रीडम मिलती है, रिकग्निशन मिलती है। आज जैसे अमिताभ जी, मनोज जी का मैं नाम ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी लाइफ में वो वैल्यूज ऐड किए हैं, वो हमारा मार्गदर्शन किया है, जिनके थ्रू इस बिजनेस को हम लोग बड़ा किया और धीरे 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 ये जो वैल्यूज हैं वो हमें मिलनी शुरू हो गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, और मेरा प्रेजेंटेशन यहीं पे क्लोज हो गया। तो रेखा जी बात करिए। हम चाहेंगे कि हम सब मिलके और इस प्लान प्रेजेंटेशन के लिए एक क्लैप करें। और फ्रेंड्स, बिजनेस है तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट होगा, और इसमें इन्होंने प्रोडक्ट के भी बहुत
दिखाए होंगे, होम केयर, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, एग्रो केयर, और हम लोग बहुत सेगमेंट पे इस पे वर्क कर सकते हैं। और लेडीज के लिए तो सबसे अच्छा है कि अगर मुझे कुकिंग का शौक है तो हम लोग वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं इनको, हेल्थ का है ना, बहुत लेडीज को घर का, तो कहीं से भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा प्रोडक्ट का डेमो दिखाएंगे और चलेगा कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से ही हमारा बिजनेस है। अगर ये प्रोडक्ट्स नहीं होते तो बिजनेस नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्ट यूनिक है और उसी से ये बिजनेस इतना बड़ा बिजनेस हो रहा है। तो आप लोग अब प्रोडक्ट देखें। ओवर टू रेखा जी। हेलो फ्रेंड्स, और चलिए आज हम सब, और मुझे सबसे अच्छा इसमें हेल्थ केयर लगता है, और क्योंकि एक लेडीज है तो स्किन केयर, हेल्थ केयर पे ज्यादा ध्यान देती है। तो आज स्पेशली हम थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर के बारे में बात करेंगे। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो हमारे हेल्थ के लिए जरूरी है, और ये हम लोगों का प्रोटीन पाउडर है, और ये जो है 1 kg में भी आता है, और 1/2 kg में, और 200 ग्राम में भी। और स्पेशली हम ये बताना चाहेंगे कि प्रोटीन पाउडर हमारे मसल्स ग्रोथ के लिए, हेयर के लिए, स्किन के लिए। पसंद आता है, लेकिन हेल्थ के लिए तो जब हम अपने बच्चों को भी कुछ देते हैं या दवाइयां या कुछ भी कभी देते हैं तो हम टेस्ट पे नहीं जाते, उनके हेल्थ के लिए क्या अच्छा उस पे जाते हैं। तो प्रोटीन पाउडर को लेने के बहुत से तरीके हैं कि हम जैसे ये है, आप यहाँ 2-3 glass आपको दिख रहा होगा, ये जैसे हमने ये दिख रहा है, ये हमने जूस है जो अभी इस समय ज्यादा सभी लोग ले रहे हैं, और ये पुदीने और धनिये का सिर्फ स्ट्रैक है, और ये पानी है जो कि प्रोटीन पाउडर को लेने का बहुत तरीका है कि आप कैसे ले सकते हैं। तो हम बताएंगे कि देखिए, प्रोटीन तो हम इसमें भी शेक कर सकते हैं और बहुत अच्छे से, और इसमें एक स्पून है, इसलिए 10 ग्राम प्रोटीन का होता है जिसमें हमें 8 ग्राम प्रोटीन बहुत अच्छे से मिल जाता है। तो हम किसी भी तरह से इसमें शेक करके ले सकते हैं, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, वो जिस चीज में पड़ता है उसी के टेस्ट के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो बच्चे हो या बड़े हैं बहुत अच्छे से ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सुबह का या शाम में किसी भी वक्त आप इसको ले सकते हैं, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। और तीसरा है ये सत्तू है, उसको भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं और प्रोटीन के साथ ले सकते हैं इसको। ये देखिए, लेना तो हेल्थ अगर हम समझेंगे तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये नींबू है, आप इसमें डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। और ये सॉल्ट है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ये क्योंकि प्रोटीन हमारे 9 MCTs में होता है जो कि हमारे बॉडी में बनता नहीं है, इसलिए हमें बाहर से लेना पड़ता है। इसलिए और लेडीज के लिए तो खासकर स्पेशली, और जैसे प्रेग्नेंट भी लेडी है उनके लिए भी, इस समय मार्केट के जो प्रोटीन है उसमें बहुत हाई कैलोरीज भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि उनके वेट को बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे समय में सिर्फ आपकी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, वो इस प्रोटीन से बेस्ट हो ही नहीं सकता कुछ। और फ्रेंड्स, हमारे पास ये थोड़े हर्बल रेंज भी है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे यह सुगंधा है, तुलसी है, अमलता की विविधता की का है, और ये वशाका है, और ये तुलसी है, और ये ब्राह्मणी है। तो आज हम तुलसी के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि इस समय तुलसी जो है, किसी से भी बात करेंगे तो वो बोलेंगे तुलसी का काढ़ा ले लीजिए या तुलसी लीजिए, हर तरह से बोलते हैं।
तो हम लोगों का क्या है कि जब हम डायरेक्ट तुलसी के पत्ते को लेते हैं तो उसमें पारा होता है जो हमारे दांतों को भी खराब करता है, लेकिन ये तुलसी का जो है ये 100 पत्तियों का पूरा स्ट्रैक एक टेबलेट में हमको मिल जाता है, जो अभी हमने ये थोड़ा सा टेस्ट करके रखा हुआ है इसमें ये। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये हमने गर्म पानी ले लिया है सुबह में, मॉर्निंग में आप दोपहर में भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे हम लोग आज इस समर वेकेशन में गर्मी के मौसम में ज्यादा से ज्यादा चाय नहीं ले रहे हैं तो इसको ही हम लोग ले रहे हैं। तो ऐसे गर्म पानी लिया और इसमें ये एक टेबलेट डाल दिए और थोड़ा सा ये शहद है इसको हम इसमें ले लेते हैं, और आप नींबू भी डाल सकते हैं लेकिन शहद के साथ ही इसका बहुत अच्छा से, ये देखिए आपकी ग्रीन टी की तरह ये तैयार है। आप अब इसको ले सकते हैं और आपके हेल्थ वेल्थ दोनों के लिए बढ़िया है और स्किन भी बहुत ग्लो करता है। कुछ लोगों का कहना है अपने अपने बॉडी के अकॉर्डिंग। तो ये है फ्रेंड्स हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी, जो हमें खुद तो हेल्थ बहुत अच्छा रख सकते हैं और दूसरों का भी, जो अभी इन्होंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी में दिखाया कि हम लोगों का भी ख्याल रखते हैं और इनकम का भी बहुत बढ़िया सोर्स है, क्योंकि हम लेडीज जब भी कोई चीज अच्छी लगती तो उसको दिल से प्रमोट करते हैं। तो यहाँ तो हेल्थ की बात है, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और कहा जाता है ना फ्रेंड्स की जिंदगी में तो बहुत सारे उतार चढ़ाव और चैलेंज होते हैं, और परेशानियां तो उस ट्रैफिक रिगल की तरह है कि जब रेड लाइट आती है दिखती है तो अगर कुछ समय आप वहां पे खड़े हो जाइए, कुछ इंतजार कर लिए तो ग्रीन लाइट तो दिखती ही है। इसी तरह लाइफ में भी बहुत से ऐसे परेशानियां चैलेंज तो आएंगे, लेकिन कुछ वक्त के बाद सब अपनी जगह जो चाहिए वो लाइफ में सेट हो जाता है। थैंक यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। दोस्तों एक स्टोरी के साथ हम इस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों एक राजा जो है जंगल में जाते हैं शिकार के लिए और जंगल में भटक जाते हैं, और उसके बाद जो है वो परेशान हो जाते हैं क्या करें। तो एक पेड़ पे चढ़ करके देखते हैं, जो है झोपड़ी है कुछ दूर दिखाई पड़ती है, वहां पे एक मोमबत्ती जलती रहती है, एक उजाला दिखता रहता है। राजा वहां पहुंच जाते हैं और वहां जा देखते हैं, एक बूढ़ा लकड़हारा वहां बैठा हुआ है। तो राजा उससे पूछते हैं, कहते हैं कि क्या करते हो, तो बोलता है कि लकड़ियां काट करके मैं जला के यहाँ से कोयले बेचता हूँ। तो राजा बोले कि, तो राजा को उसने रास्ता दिखाया और राजा अपने घर चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ बगीचा दान में देता हूँ, ठीक है। और उन्होंने राजा लकड़हारे को बगीचा दान में दिया और फिर राजा चला गया। कुछ दिन के बाद राजा फिर लौटा कुछ समय के बाद और सोचा कि चलिए देखूं क्या कर रहा है वो लकड़हारा। तो आए उसके पास, उन्होंने देखा कि भाई क्या चल रहा है। तो उसने कहा कि जो आपने बाग मुझे दिया था उसके पेड़ को काट करके मैं कोयला आज भी वो बेच रहा हूँ, उससे मेरी जीविका चल रही है, उससे थोड़ा सा ज्यादा पैसे मिल जा रहे हैं। तो राजा सोचता है कि अरे ये क्या कर रहा है ये। तो उसने उससे कहा कि अरे, उसने देखा कि दो पेड़ उसके पास बचे हुए हैं और उसका कुछ बुरादा गिरा हुआ था। उसने उस लकड़हारे से कहा ये बुरादा लो, जाओ इसको बेच के आओ। तो वो लकड़हारा बुरादा लेके मार्केट में जाता है और बुरादा को बेचता है। जिस दुकानदार के पास जाता है वो उसको सूंघ के देखता है, तो देखता है कि तो चंदन का बुरादा है, और वो जो है कहता है इसे मुझे दे दो। तो वो कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं देना है। फिर वो कहता है अच्छा इतने रुपए ले लो, करते करते जो है वो एक मोटा रकम उसको 200 रुपए देकर के जबरदस्ती ले लेता है कि नहीं मुझे दे जाओ। और फिर वो लौट के जब जाता है तो दोस्तों इसमें राजा ने कहा कि अरे ये मैंने तुम्हें चंदन का बाग दिया था जो जिसकी कीमत अनमोल है। दोस्तों भगवान ने हम सबको एक यूनिक बनाया है, खुशबू देने के लिए बनाया है, लोगों की जिंदगी में वैल्यूज डालने के लिए बनाया है, और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह से बेचते हैं। तो अब सोचना हमें आपको है
कि हम चंदन की तरह जाएंगे कि कोयला बन के जाएंगे। तो ये वैल्यूज है हमारे। थैंक यू दोस्तों, बैक टू होस्ट।